Good morning, class. Today we will start with activity 6.4. Be careful while handling the burning candle. कभी भी कुछ भी जलती हुई चीज़ से काम करते हैं तो बहुत ध्यान रख के करना चाहिए. कल बात कर रहे थे जलने की, है ना. किसी को जलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को जलने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए. मेक टू पेपर कप्स बाई फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. डायग्राम में दिखाया है ऐसे दो पेपर कप बनाने हैं हमें. पोर अ 50 ml ऑफ वाटर इन वन कप. अभी दोनों में से एक के अंदर 50 ml पानी डाल दो. राइट. नाउ हीट बोथ द कप सेपरेटली विथ ए कैंडल. वॉट डू यू ऑब्जर्व. पहले कागज़ का कोन बनाया. राइट. दो बनाए, एक खाली रखा, एक में पानी भरा. ठीक है ना. अब जो खाली रखा था उसको जलाया, मोमबत्ती के ऊपर रखा तो तुरंत आग पकड़ ली, जल गया. जिसमें कागज़ में पानी भर के रखा था हमने, उसको मोमबत्ती पे ऊपर रखा तो कागज़ नहीं जला. कागज़ तो जलना चाहिए ना, क्यों नहीं जला. हाँ नहीं, हीट जो थी ना, हम कागज़ को हीट दे रहे थे और वो हीट कागज़ पानी के कांटेक्ट में था तो पानी जो है वो हीट ले रही थी कागज़ में से, तो कागज़ को इतना टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा था जलने जितना, क्योंकि जो भी हीट कागज़ को मिल रही थी कागज़ पानी को दे रहा था और पानी को तो गर्म होने के लिए 100 degrees चाहिए तब गर्म होगा पानी, है ना, फिर कागज़ जलना शुरू होगा. What happens to the empty paper cups? What happens to the paper cup with the water? Does the water in this cup becomes hot? If we continue heating the cup with, we can even boil the water in the paper cup. तो पहले जो भी हीट दी जाएगी कागज़ को दी जाएगी, कागज़ तो तुरंत जलना चाहिए लेकिन कागज़ अपनी हीट जो थी वो पानी को दे रहा था, कागज़ गर्म ही नहीं हो रहा था. गर्म होगा तो जलेगा ना. Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. So heat conduction ke through chali ja rahi thi pani mein. So in the presence of water the ignition temperature of the paper is not reached, hence it does not burn. The substance which are very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस होता है, राइट, थोड़ी सी गर्मी मिलती है और आग पकड़ लेता है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल. राइट. आपने वो ड्रामा वाले देखे होंगे सर्कस में, आग जलती होती है, मुंह में से पेट्रोल उड़ाते हैं तो पूरा फ्लेम बाहर उड़ के जाता है, है ना. लेकिन अगर वो ठीक से नहीं उड़ाएगा तो वो आग उसके मुंह के ऊपर आ सकती है, है ना. सो क्यों, क्योंकि पेट्रोल जो है वो जरा सी भी गर्मी मिलेगी तो ज्वलनशील हो जाएगा. ठीक है. Examples are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. Can you list some more inflammable substances? How do we control the fire? अभी चलो मान लो आग लगती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगी होगी तो पानी नहीं डाल सकते, वरना शॉक के थ्रू आपकी जान जा सकती है. और आग लगी है तो उसको बुझाना है हमें. मिट्टी डाल सकते हैं, गैस से डाल सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. इफ यू हैव सीन सच एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट. तो आपने कभी ऐसी आग देखी है, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. तो सबसे पहले तो आग लगे हम प्रैक्टिस करें बुझाने की, उससे पहले एक फ़ोन कर देना चाहिए फायर वालों को,
कि भई हम यहाँ पर हैं, हमारी आग लगी हुई है, आप आ जाओ फटाफट, राइट। और फिर हमें उसको बुझाने की प्रयत्न करने चाहिए ताकि हम लोग जब ट्राई करें तब तक वो फास्ट आ जाए। एम्बुलेंस के जैसे वो भी सायरन बजाता हुआ आएगा, उसको रास्ते में कोई रोकेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो इमरजेंसी, उसको पहुंचना है, राइट। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। तो ये नंबर्स जो हैं हमने लगा रखे हैं बाहर, वो नंबर सबको मालूम भी होना चाहिए। आग लगे तब ढूंढने नहीं जाना चाहिए कि किसको फ़ोन करना है, मेरे को नंबर नहीं मालूम है, राइट। ऐसे अभी तो गवर्नमेंट ने सिस्टम सेम कर दिया कि कोई भी आप नंबर 100 डायल करोगे तो वही आपको पूछेगा आपको पुलिस को फ़ोन करना है कि फायर वाले को करना है, तो आप उसमें बोल दो फायर वाले को, तो सीधा फायर वाले को फ़ोन चला जाएगा। ऐसा व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट इट डू, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। Now water vapor also surrounds the combustible material, helping in cutting off the supply of air, so the fire is extinguished. तो पानी जब किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा तो आग बंद हो जाएगी, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। You have learned that there are three essential requirements for producing the fire. Can you list these requirements? किसी भी चीज़ को जलाने के लिए तीन चीज़ें होनी अति आवश्यक है, अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं होगी तो वो नहीं जलेगा। तो सबसे पहला क्या है, फ्यूल, है ना। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, एयर, फ्यूल, एयर एंड हीट, ये तीन चीज़ें चाहिए। अभी पेट्रोल पड़ा है अपने आप नहीं जलेगा, उसका जलने का जो टेम्परेचर है उतनी हीट इसको मिलेगी, राइट, तो वो जलेगा। तो अब माचिस थोड़ी सी भी जलाओगे तो आग पकड़ लेगा वो, राइट। एयर मिल रही है, अगर एयर उसको मिलनी बंद हो जाएगी तो भले पेट्रोल है लेकिन जलेगा नहीं। तो फ्यूल, एयर एंड हीट, ये तीनों चीज़ें चाहिए। फायर कैन कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स, तो फायर को कंट्रोल करना है तो इन तीनों चीज़ों को हटाना पड़ेगा, या तीनों में से किसी एक को भी हटा दो तो आग बुझ जाएगी। हवा नहीं मिलनी चाहिए, टेम्परेचर हीट मिल रही है उसको तो उसको ठंडा कर दो तब भी वो नहीं जलेगा, राइट। फ्यूल जो जलने की चीज़ है वो चीज़ हटा लो तो भी आग बुझ जाएगी। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of the air or to bring down the temperature of the fuel or both. एक तो उसका काम है कि एयर का कट कर दो, एयर उसको नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, जो चीज़ जल रही है फ्यूल जैसे, उसको वो फ्यूल नहीं मिलना चाहिए, उसको गर्मी नहीं मिलनी चाहिए। Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. If for instance a building catches fire, the whole building is the fuel. अभी मान लो कोई बिल्डिंग में लकड़े भरे पड़े हैं, राइट, और आप बोलोगे कि फ्यूल हटा दो लकड़े, तो एक एक लकड़ा आप जल रहा है तो कैसे हटाओगे आप, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर एक देखो, the most common fire extinguisher is the water. सबसे पहले आग लगती है तो हम पानी से ही आग को बुझाती है, कॉमन है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर। वो पानी कब काम आएगा, जब लकड़ा है या कागज़ है वो जल रहे हैं तो काम आएगा। इफ़ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ जल रही है तो उसके ऊपर पानी आप नहीं डाल सकते। वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। अगर इलेक्ट्रिक सामान जल रहा है आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी करंट पकड़ लेगा और जो बुझा रहा है वही मुसीबत में आ जाएगा। वाटर इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अगर ऑयल और पेट्रोल से आग लगी है तब भी आप पानी से नहीं बुझा सकते। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल। वाटर जो होता है
हैवी होता है ऑयल से, तो जैसे आप ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल पानी में तैरता रहेगा और जलता रहेगा। आपने कभी देखा ही नहीं होगा शायद, या पिक्चर में देखा हो, हम छोटे थे ना तब रोज़ देखते थे नवरात्रि में स्पेशली, एक है ना मेला लगता था, आनंद मेला जिसको बोलते हैं, नवरात्रि में ही लगता था राइट। उसमें सब चरखे में राइड्स में नाश्ता में सब होता है, तो भुज के लोग पहले है ना घूमने जाते हैं, तो रोज़ 9 दिन तक मेला होता है वो, तो रोज़ वो मेला घूमते, पहले रात को 12 बजे बंद हो जाता है, नहीं 1:30 बजे बंद हो जाता है मेला राइट, और फिर लोग नवरात्रि खेलने जाते थे। अब वो मेला ख़त्म कब होता था कि जो मेला था ना उसके बीचों बीच एक बड़ा सा टंकी बनाया गया था पानी का, है ना, और उस टंकी के एकदम 100 फुट जितनी लंबी सीढ़ी बनाई जाती थी राइट। और एक लड़की थी राजकुमारी आज़ाद नाम था उसका राइट, वो लड़की सीढ़ियों के ऊपर सीधी ऊपर चढ़ती, अब सोचो अपनी बिल्डिंग की भी डबल बिल्डिंग जितनी राइट ऊपर चढ़ जाती थी, और नीचे जो टंकी पानी की थी राइट पानी से भरी हुई हो रहती थी, फिर वो लड़की क्या करती अपने ऊपर पेट्रोल डालती, उसने कपड़े ऐसे पहने होते हैं लेकिन वो खुद नहीं जलती, कपड़े ऐसे फायर प्रूफ कपड़े पहने होते हैं उसने, फिर अपने ऊपर वो पेट्रोल डालती और आग लगाती अपने ऊपर, वो खुद जलती, और मुंह के ऊपर हेलमेट पहना होता था मतलब आग अंदर नहीं जाएगी राइट। अब खुद जल रही है ना ऊपर, और नीचे जो टंकी है ना उसमें पानी भरा पड़ा है, उसमें वो पेट्रोल ऊपर से डालेगी राइट, और फिर दियासड़ी नीचे फेंकेगी तो नीचे भी जलेगा, फिर वो जलते हुए कुएं में वो जंप मारती थी इतनी हाइट से, खुद भी जल रही है नीचे भी टंकी में आग लगी है, ऊपर से वो जंप मारती, जैसे ही वो जंप मारती नीचे का पानी उछलता सारा बाहर और आग बुझ जाती थी, और वो बाहर आती थी रोज़ मारती थी वो जंप राइट। तो खुद को आग कब लगाएगा इंसान, जब ऐसे कपड़े पहने होंगे कि आग ना लगे, है ना। और आपने प्रहलाद की स्टोरी सुनी थी, है ना, प्रहलाद की बुआ ने क्या किया था, हाँ उसको गोद में लेके आग में बैठ गई थी, क्यों बैठ गई थी, क्योंकि उसको एक चुन्नी मिली थी वरदान में कि अगर वो चुन्नी ओढ़ के बैठेगी तो उसको आग नहीं पकड़ेगी, है ना। तो फायर से बचने की टेक्नोलॉजी दुनिया को किसने दी है, इंडिया ने। दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं ना, हम बोलते हैं कि देखो अमेरिका वालों ने बनाया, ये इन्होंने बनाया, है ना, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी आइडिया जो थी वो किसने दी थी, इंडिया वालों ने दी थी राइट। प्लेन कब बना हमारा, एरोप्लेन इंडिया मतलब एरोप्लेन जो है लोगों को कब देखने लगा, फर्स्ट एरोप्लेन कब बना था, 100 साल भी नहीं हुए होंगे ना, है ना, एरोप्लेन के ऊपर 100 साल हो गए, ये आप मेरे को कल बताना कि पहला एरोप्लेन कौन से साल में बना था, जो भी हो पहला एरोप्लेन कब बना था राइट। और अपने महाभारत को कितना, रामायण को कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ, मिनिमम हाँ 4 या 5 हज़ार साल हो गए रामायण को। रामायण में क्या था, रावण किसको ले गया था, किस में ले गया था, तो उड़ सकता है आदमी राइट। वो आइडिया किसने दी थी, इंडिया वालों ने दी थी, हमारे पास तो था तब, रावण के पास था वो, फिर राम लेके आए थे अयोध्या में उसको, है ना, रावण से जब जीत लिया तब उसको वापस अयोध्या में, राम कैसे उड़ते हुए आए थे उसी रथ में, है ना। तो दुनिया को हमने बताया कि भाई एरोप्लेन हमने बनाया है देखो, लेकिन आज की तारीख में एरोप्लेन ऐसा बोलते कि अमेरिका वालों ने बनाया है, तो आइडिया किसने दी थी, हमने दी थी।
अभी फायर से बचने के आइडिया किसने दी? हमने ही दिए। तो दुनिया को जितनी टेक्नोलॉजी की आइडिया है उसकी आइडिया तो हम दे रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी इंडिया टेक्नोलॉजी में पीछे है, लोग आगे हैं हमसे। आइडिया हम दे रहे हैं, राइट। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो जब भी ऑयल में आग लगी होगी और आप पानी डालोगे उसके ऊपर, राइट, तो पानी तो नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। तो ऑयल से आग लगी होगी तो पानी से नहीं बुझा पाओगे आप। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो उसको बुझानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर डालना पड़ेगा। CO2 being heavier than the oxygen covers the fire like a blanket। तो आगे चैप्टर में कैसे समझाया था कि आग लगे तो आदमी को ब्लैंकेट से ढक दो तो उसको हवा का कॉन्टेक्ट कट हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगी, है ना। उसी तरह किसी के ऊपर आग लगी है तो ब्लैंकेट तो डालेंगे तो पहुंच नहीं पाएगा ब्लैंकेट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, स्प्रे करेंगे तो पूरे में फैल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होता है, राइट, और वो उसी पर रहता है जहाँ पर आग लगी ना, वही आजू बाजू रहता है, और बाहर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंकेट जैसा काम करता है, आग लगी हो ना उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कर दो तो आग बुझ जाएगी। तो हमने देखा हमारे स्कूल में ये जो लाल सिलेंडर भरे पड़े हैं ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपने को, और भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े। देखो हमने पानी की लाइन भी लगा रखी है, अभी लग गई ना अपनी स्कूल में फायर की लाइन, राइट। हाउ वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर इन वॉट फॉर्म इन द LPG स्टोर्ड इन द सिलेंडर्स। When released from the cylinder, carbon dioxide enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get the carbon dioxide to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, sodium, baking soda. अगर किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर बेकिंग सोडा डाल दोगे तो उसमें से भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। नियर द फायर केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो केमिकल छिड़कोगे ना, पोटाशियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जब वो आग में जाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो आग को बुझा डालेंगे, राइट। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबस्शन जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।